हिमाचल प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश सचिव नितिन ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अंतर्गत तहसील नगरोटा सूर्या साथ लगती अनेकों पंचायतों के युवाओं के साथ मिलकर बैठकें की और बहुत सारे युवाओं को पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ा। 24 सितंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा की 1,00,000 युवाओं की रैली को संबोधित करेंगे। यह जानकारी देते हुए युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सचिव नितिन ठाकुर ने कहा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित ठाकुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने 7,881 बूथों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रत्येक बूथ से 20 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जोड़ा है। इस पूरे अभियान में 1,56,000 युवाओं को भाजपा के साथ जोड़ा गया है। अब उस कार्य को जमीन पर दिखाने के लिए 24 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ से 20-20 युवा पड्डल मैदान मंडी में पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। पूरे भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किसी मोर्चे की रैली को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पिछले कुछ दिनों से रैली की तैयारियों हेतु प्रत्येक मंडल में बैठकें शुरू हो गई हैं। प्रत्येक बूथ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और प्रत्येक युवाओं को इस रैली में जाने के लिए प्रेरित करेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय युवा मोर्चा एक इतिहास रचेगा। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर युवाओं ने ठाना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने। जिस प्रगतिशील रथ को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खींच रहे हैं, उसमें युवा मोर्चा भी सारथी के तौर पर अग्रिम भूमिका निभाएगा। इस बार युवाओं की हुंकार प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। साथ ही नितिन ठाकुर ने कहा कि इस बार प्रदेश में सरकार नहीं रिवाज बदलेगा और फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर नगरोटा सूर्या के उप प्रधान सुखपाल सिंह गोगी, ऋषु शर्मा, ऋतिक शर्मा, माणिक शर्मा, राहुल गुलेरिया, अमन माथुर, अंकुश, अनुज, विनोद, जसवंत, अंकुश शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। नितिन ठाकुर, प्रदेश सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज नगरोटा सूर्या, खब्बड़ और सुकनाड़ा और बरियाड़, इन ग्राम केंद्रों पे और यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ 24 सितंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी जी की रैली से संबंधित, युवा मोर्चा विजय संकल्प रैली से संबंधित यहाँ युवाओं से बात की और युवाओं को इस रैली में जाने के लिए संपर्क किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को ऐसा सौभाग्य मिला है हिमाचल प्रदेश को कि पूरे देश के 7 मोर्चों में हिमाचल प्रदेश के युवा मोर्चा को यह सौभाग्य मिला है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रैली में युवाओं को अपना मार्गदर्शन देंगे, तो अपना संबोधन देंगे। तो पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के 1,00,000 युवा साथी इस रैली में आएंगे। 24 सितंबर को जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पिछले एक साल से 1 Vote 20 यूथ का अभियान, यानी कि 7,881 बूथों पे जो 1 Vote 20 यूथ का अभियान चलाया था, वह उन युवाओं का साथ लेके प्रत्येक बूथ से 20-20 युवा इस रैली में आएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का संबोधन और उनका मार्गदर्शन हमें इस रैली में मिलेगा। तो यहाँ से भी स्थानीय कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से 20-20 युवा हमारे साथ इस रैली में चलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार बनाएगा। युवा मोर्चा को यह भूमिका सारथी के तौर पर मिली है और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार हम सरकार नहीं बदलेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो अदला बदली का जो रिवाज है उस रिवाज को बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लस न्यूज के लिए देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट।